फ्रेंड्स, आज वाइजैक में मम्मी का पहला दिन है, तो मैं सोच रही थी कि आज कहीं अच्छी जगह घुमा के लाते हैं, मंदिर या ऐसी जगह, तो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं क्योंकि आज संडे भी है, ताकि आराम से आज घूम के आएं कहीं अच्छी जगह पे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूं, क्योंकि अभी आ रहा है त्योहारों का सीजन, बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है, और दिवाली के टाइम पे क्या है, सारी महिलाएं एकदम व्यस्त हैं दिवाली की अपने घर की सफाई करने में, घर को चमचम करने में, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है, एक बहाना होता है अपने घर को साफ स्वच्छ करने का। लेकिन ये बात भी सही है कि इन घर के काम काजों में, सारी चीजों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं ना कि अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। फिर बाद में होता क्या है, हमारा घर तो साफ सुथरा तैयार हो जाता है सज धज के, लेकिन जब हम खुद तैयार होते हैं तो वो मजा नहीं आता है, क्योंकि इन काम काजों में, धूल मिट्टी में काम करने में हमारी स्किन बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ऐसे में हमें अपनी स्किन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मैं भी होता है बहुत ज्यादा अपने काम काज में या साफ सफाई में लग जाती हूँ, लगातार कई दिन करती हूँ तो मेरी स्किन खराब होने लगती है। और जब ऐसा होता है तो फिर मैं उसमें फटाफट ध्यान देना चालू भी करती हूँ, और उसके बाद मेरी स्किन फिर से ठीक होने लगती है, क्योंकि हम लापरवाह होते हैं, बीच बीच में चीजों में लापरवाही कर जाते हैं। तो मुझे जो सूट कर रहा है, मेरी स्किन को जो सूट कर रहा है, जो मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, उसमें मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट लगाती हूँ। ये वाली क्रीम है जो कि मैं रेगुलर यूज करती हूँ, और जैसे काम वाम में दाने या पिंपल्स या एक्ने वगैरह होने लगते हैं उनके लिए मेरे पास ये है, तो मैं इनको यूज करती हूँ। रही बात फेस वॉश की, तो ये देखिए मेरे वॉशरूम में रखा हुआ है क्योर स्किन का फेस वॉश, तो मैं इसको ही रेगुलर यूज करती हूँ। तो अभी मैं जा रही थी अपना फेस वॉश करने के लिए, और जिनको नहीं पता हो क्योर स्किन क्या है, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, तो क्योर स्किन एक ऐसा ऐप है जहां पर आप घर बैठे अपनी स्किन की, अपने बालों की कैसी भी प्रॉब्लम हो उनको दिखा सकते हैं, घर बैठे उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टर से चैट कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में, आपको एक रुपया नहीं देना है। बस आपको अपने मोबाइल फोन में क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना है, और 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, तो आपकी स्किन की, हेयर की कैसी भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर बता सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है क्योर स्किन की, यहाँ पर डॉक्टर 20 डेज में आपका फॉलोअप लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम कितनी कम हुई है, आपको डाइट चार्ट भी बताते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा डाइट चार्ट होता है जिसको कि आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट एकदम नेचुरल हैं, चाहे बॉयज हों गर्ल्स हों, कोई भी इनको यूज कर सकता है। बस अभी मैंने फेस वॉश करके फेस क्रीम लगा ली है, अब मुझे अपने स्किन केयर में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन के लिए हो गया। बस शाम को एक बार, रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे अपना फेस वॉश करके फिर से मैं एक बार एक क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि और जो स्किन केयर होती है उनका बहुत लंबा लंबा प्रोसेस होता है, साथ 8-8 स्टेप होते हैं, बट ये सिंपल है, अपना मुंह धोना है, क्रीम लगा लेना है। और मेरे लिए जो किट बन के आई थी उसमें ये चार प्रोडक्ट आए थे, फेस वॉश, फेस क्रीम और ये दोनों ट्यूब आए थे, स्किन को बहुत सूट भी करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने मेरी प्रॉब्लम के लिए दिया था, तो मुझे बहुत सूट किए हैं ये प्रोडक्ट, तो जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से ये प्रोडक्ट भेजते हैं, तो आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो वहां पर आप बता सकते हैं। और ये किट लगभग 1500 की है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड लगा लेंगे तो आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये किट आपको केवल 1300 रुपए में पड़ेगी, 1300 रुपए में आपका 3 महीने का पूरा ट्रीटमेंट आ जाएगा। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं एकदम फ्री में। तो चलिए आगे ब्लॉग में। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन संडे, और बस मैं नहा धो के तैयार, मतलब फ्री होती जा रही हूँ, मम्मी भी नहा के आ गई हैं, पूजा कर ली है इन्होंने, और बस मैं जा रही थी इनके साथ में सब्जी लेने, तो बस मैंने अभी ये थैला निकाल के रखा है कि जाके सब्जी ले आऊँ, क्योंकि आज धूप निकली है, मार्केट भी खुला होगा, तो अभी ये छाले की दवा लगा के बैठे हैं, ये थोड़ा सा खुला कर लें अपनी दवा का, उसके बाद जाके ले आए सब्जी और छोटा मोटा और सामान, बाकी तो सब ये ले आए थे कल, वो सब मैं खाली करके रखाई हूँ। मैं तो सो के उठ के चले आए हो, देखो अभी आंखों में कीचड़ लगा है, कीचड़ लगा है आंखों में। बारिश के कई दिन के बाद मार्केट लगी है ना, तो आज कहीं भी जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ तो मैंने सब्जी मंडी में एक भी दिन नहीं देखी होगी, और मैं इतने बार आई हूँ आप लोगों ने भी इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। और मैं जिनसे सब्जी लेती हूँ ना, आज वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बहुत देर से कह रही दे दो मुझे ये, तो अभी मैंने सब्जी ली, उसके बाद मुझे पपीते भी यहाँ पर ठीक लग रहे थे, 30 रुपये किलो मिल रहे थे ताजे से, वो भी मैंने लिए, तो ये पड़े हैं रोड में। यार अच्छे से पकड़ के लाओ यार, नहीं नहीं उसकी गलती नहीं, आलूओं की गलती है, मेरी गलती है, किसी की नहीं है, नहीं आलूओं की गलती है, पपीते की गलती है।
सब्जी का थैला पूरा भर गया था, तो जो कपड़े वाले थैले में वो देते हैं उसी में मैं आलू और पपीते ले आई थी, तो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो पूरा ही खुल गया रास्ते में ही। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती थी। मैंने कहा स्कूटी की चाबी इनको नहीं पता था आगे पड़ी थी, वो किसकी गलती थी। तो बस वहाँ से आई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो मैंने थोड़ा सा गाजर भी कद्दूकस कर लिया, इसमें टमाटर प्याज ये सब काट लिया है। तो बस यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और ये सारी मूंगफली सब कुछ भुन गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है गाजर। गाजर को भी अच्छे से फ्राई करके इसमें डाल दिया हल्दी और नमक। और उसके बाद ये पोहा मैंने पहले से धो के रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा मोटा वाला पोहा है इसलिए पहले से धो के रख दिया था, तो अच्छे से फूल गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें मसाले, और उसके बाद ये डाला है नींबू का रस। बस सबको अच्छे से थोड़ी देर और पका लिया था, बाद में डाला था नींबू का रस। तो बस सबके लिए नाश्ता लगा देते हैं, एकदम खिला खिला पोहा बन के रेडी हो गया है। और इन्होंने मुंह में अभी दवा लगा रखी है छाले की, तो इन्होंने थोड़ी बाद से नाश्ता किया था, क्योंकि थोड़ी पहले से लगा के बैठ जाते हैं खाने के, उसके बाद 10-15 मिनट लगाने के बाद धो के फिर खाते हैं तो फिर दर्द नहीं होता है उसमें। और उसके बाद नाश्ते के बाद ये सब्जी वब्जी जो लेके आई थी वो सब मैंने धोई है। बहुत दिन से मैं इकट्ठी नहीं थोड़ी थोड़ी सब्जी लाती थी, लेकिन आज मैं एक साथ ले आई हूँ। और अभी के खाने में मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो भिंडी बनाते हैं। भिंडी मुझे अच्छी भी लगती है, सूखी भिंडी की सब्जी, साथ में अरहर की दाल बनाऊंगी, खीरा का रायता बनाऊंगी, चावल रोटी ये सब बनाऊंगी। तो बस यहाँ ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ थी तो मैंने काट ली हैं। उसके बाद मैं जा रही हूँ दाल रखने के लिए, दाल डिब्बे में भरनी भी है, अभी खाली हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं धो के दाल रख दे रही हूँ, एक तरफ भिंडी छौंक दूँगी, और धनिया को ये देखिए मैंने पानी में डुबो के रखा है जड़ सहित। और यहाँ पर जो बिस्किट या टोस्ट के खुले हुए पैकेट हो गए थे, तो उनको नंदनी ने ये कटोरदान मेरे पास रखा हुआ था उसी में रख दिए हैं, क्योंकि खुले हुए सील जाते तो इसमें सब रख के मैं बोल रही थी ये छोटा है इसमें आएंगे नहीं सारे, कही थी आ जाएंगे, ये देखिए सारे आ भी गए हैं भले ही टूट के आए हों। तो ये प्लास्टिक के डिब्बे में तो ये महक जाते, या बिस्किट भरने का डिब्बा भी आता है, मैंने डी मार्ट में देखा था लेकिन मैं लाई नहीं थी। काफ़ी अच्छे अच्छे डिब्बे मिलते हैं बिस्किट भरने के, तो बस ये रख दिए। और यहाँ पर मैंने दाल के साथ भिंडी भी छौंक दी है यहाँ साथ ही साथ में, ये और यहाँ पर बना ले रही हूँ मैं खीरे का रायता। बिल्कुल जरा सी लाल मिर्च डाली है, हरी नहीं डाली है इसमें, क्योंकि हरी बहुत ज़्यादा ही तीखी हो जाती है, ये तीखी नहीं है क्योंकि ये तीखा खा नहीं पाते। तो बस इसमें लगा दिया है तड़का, तो ये रायता बन गया है। और बस रोटी बना ले रही हूँ, और आज मैंने भिंडी देखा होगा पतली वाली कढ़ाई में छौंकी है, और जो मोटी है ना उसमें नहीं जलती, इसमें हल्की हल्की लगने लगती है। मैं ट्रेंड से रिलायंस ट्रेंड से मिली थी मुझे एक कढ़ाई, तो मैंने इसी में आज भिंडी बना दी। तो आज ये आप लोग भी खा लीजिए, मम्मी चावल खाती नहीं है तो उनकी थाली में मैंने चावल नहीं रखा है। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और इतने दिन से यहाँ मौसम ठंडा था लेकिन आज मौसम पूरा खुला हुआ है, धूप थी तो इसलिए कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। खाना पीना खा के सब लोग आराम करने लगे थे, मम्मी भी लेट गई सो गई, मैं भी थोड़ी देर सो गई, और मम्मी देखती रही थी महादेव सीरियल। तो अभी बंद किया है, हम लोग तैयार हुए कि अब ठंडा होने वाला है तो हम लोग जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने, सब तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये मैं भी तैयार हो गई हूँ, और यहाँ पर ये देखिए नई नई टी शर्ट पहन के ये भी तैयार हो चुके हैं, मैचिंग मैचिंग मिला के, थोड़ी थोड़ी तो मिल रहा है। और मम्मी नानी भी तैयार, हाँ नानी भी तैयार हो गई है, मम्मी तैयार नहीं हुई है बस। मम्मी भी तैयार हो गई है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तुम ले जा रही हो, जा रही हो तुम बताओ, पहले से बता देती हूँ आज वहाँ चलना है, बाद में पूछता हूँ कहाँ जा रहे हैं। अरे साहब सबको बताना होता है ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। कहाँ जा रहे हैं तुम बताओ, सिमांचलम, सिमांचलम जहाँ हम ले जाते हैं हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन ही तो है। तो हम जा रहे हैं सिमांचलम, मम्मी तो तैयार नहीं हुई है, एक बार जो साड़ी पहन ली थी कह रही थी हम तो तैयार है, हम नहीं होंगे इसलिए नहीं हुई है, बाकी सब लोग तैयार हो गए हैं। तो बस हम लोग बस निकलने वाले हैं, तो मैंने आप लोगों से बता दूं, हटो हम देर ढूंढ के दे रहे हैं, तो नहीं, है। नहीं दीदी के पास है ये, लो लो, लो।
हम लगा देते हैं। इसके बड़े बड़े चश्मे तेरे भी आ जाएंगे, देख ले चाहे, तेरे भी बन जाएगा, इतना बड़ा लिया है अपने खोपड़े से। हाँ मेरे ही बन जाते, तेरे भी बन जाएगा, देख चाहे, लगा। और अभी ये आयान की बात कर रहे थे हम लिफ्ट में कि एक भी बार ऐसा नागा नहीं होता, एक भी बार नहीं चुकता है जब ये ना बोले कि लिफ्ट की खुशबू आ रही है। इसको लिफ्ट में जो बंद जगह की खुशबू आती है ना, वो हमेशा आती है, हर बार बोलता है, एक भी बार नहीं चुकेगा बोलने से। देखो आयान, देखो देखो पापा का चश्मा, देखो आपका, देखो आयान, तो तुमने हमको बहुत बुरा लग रहा है, बता नहीं रहे चश्मा कैसा लग रहा है। अच्छा। थैंक यू। वो अच्छा कहेगा तभी मानोगे अच्छा है। इतने सारे पहाड़ दिख रहे हैं, है ना? बहुत है ना पहाड़, जब रात में आ रही थी तब नहीं दिख रहे थे ना। और ये देखिए, मैं मम्मी को पूरे रास्ते दिखाती चली आई, घर से जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से पहाड़ शुरू हुआ, और सिवांचलम में तो पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, नीचे खाई पहाड़, बगल में पहाड़, सब मैं दिखाती चली आ रही थी। और ये रास्ता ऐसा है ना, तो इसलिए मम्मी को जानबूझ के ही मैंने पीछे बैठाया था, ताकि आगे बार बार ब्रेक लगता है गाड़ी में। बस्ती है ये, वो पानी के पीछे मंदिर है, देखो नदी के बीच में। हाँ ये छोटे छोटे घर है, देख रहे हैं, घर है, छोटे से कवाड़ नहीं है, घर है, ये घर है ना, वाइट है। और यहाँ का व्यू देखने के लिए हम लोग बीच में उतर गए, क्योंकि सब लोग यहाँ पर उतर के एक बार देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा देख लें, लौटते टाइम अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे। और ये पानी में मंदिर मैंने पहली बार यहाँ पर ध्यान दिया, ये देखिए। बोरी मकान है वो, कह रही है बोरी भर भर के कबाड़ फेंका है किसी ने, ये कबाड़ है लग रहा है, ये वाइट दिख रहे हैं ना, ये बस्ती है, ऊपर से ऐसा लग रहा है कबाड़ इतना ऊंचा, ये देखो। तो हम लोग आ चुके हैं सिवांचलम। माला माता, ये लीजिए दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं। अब फोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं एक भी बार अंदर तक नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को, लेकिन बाहर आके मैं फिर से अभी फोन उठा के लाई हूँ। और दर्शन होते होते रात हो चली है, देखिए हम 4 बजे निकले थे, अब हम निकलेंगे घर के लिए, प्रस्थान करेंगे। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा है। मंदिर बहुत अच्छा, दर्शन करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा है ना। और सीनरी कैसी लगी थी रास्ते वाली? बहुत अच्छी। अभी तो हम लोगों ने यहाँ मम्मी के साथ फोटो खींची है यहाँ मंदिर के सामने, ये देखिए एकदम यही है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने कुछ फोटो निकाली है अभी सबने, फैमिली फोटो। और लौटते टाइम मंदिर की सारी लाइट भी जल गई ना, तो और सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और उसके बाद बस अब हम लौट रहे हैं, खूब घूम लिया फिर लिया। और उसके बाद ये देखिए जो कूड़े के ढेर दिख रहे थे ना, सिटी ऐसे छोटे छोटे से मकान दिख रहे थे कि कूड़ा का ढेर, वो रात में कैसा जगमगा रहा है, तो मैं मम्मी को वही दिखा रही थी। अब देखो ये पूरी वाइजैक सिटी दिख रही है यहाँ से, मतलब बहुत सुंदर हिल स्टेशन लगता है देखने में। और बाहर से आने के बाद में मैं अपना स्किन केयर एक बार फिर से करती हूँ, तो क्योर स्किन के फेस वॉश से फेस वॉश किया है और क्रीम लगाऊंगी। और क्योर स्किन ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।